हेलो एवरीवन, सीडी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे जो डिस्कस करेंगे किस तरह से आप डेट्स जो फंक्शन है लैरवेल में, किस तरह से आप इसको दोनों डेट को कंपेयर कर सकते हैं। सपोज आपके पास दो डेट है तो आप उस पर देख सकते हैं कि ये दोनों डेट इक्वल है कि नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन हम चेक करेंगे, इफ डेट इज इक्वल नॉट इक्वल। सो हमारे पास मल्टीपल है, आप देख पाएंगे कि मैंने लैरवेल पे कार्बन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन क्या है, एक बेसिकली काइंड ऑफ पैकेज है इसमें, और उसका पैकेज हम इसलिए यूज करते हैं यहाँ पे लैरवेल पे क्योंकि हम उसको कंपेयर कर पाए, उसकी वैल्यू को कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो अभी देखिए हम डेट फंक्शंस जब यूज करेंगे तो हम अभी मैं यहाँ पे मैंने जो फंक्शन लिख रखा है, देखिए दो तरह की डेट्स है और दोनों डिफाइन कर रखा है, दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, देखिए आप डेट और जो टाइम है दोनों सेम है, हमने इस तरह से रखा है मंथ डेट और ईयर में रखा हुआ है एग्जैक्टली। सो ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमारे पास में ये है डेट वन इज इक्वल टू डेट टू, और हमने यहाँ पे वेयर डम्प लगा के रिजल्ट को देखा कि ये जो रिजल्ट है ये किस तरह से है, ये मतलब आ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। हम यहाँ पे चेक करेंगे और इसको डीडी करके चेक कर लेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रन किया और हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू। तो दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि अलग से एक ब्लॉग भी लिखा है, तो आप यहाँ से इस ब्लॉग से भी जाके देख सकते हैं। नॉट इक्वल का मतलब ये हो जाएगा आप उस पर वैल्यू को चेंज कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नॉट इक्वल है कि नहीं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे फॉल्स है। नॉट इक्वल का मतलब क्या है, वो इक्वल नहीं है बट यहाँ पे गलत है, वो इक्वल है इसलिए इसकी फॉल्स कंडीशन आई। अब यहाँ पे कर दीजिए नॉट इक्वल, अब यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यस ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल है। तो इस तरह से जो है मल्टीपल फंक्शंस है हमारे पास में और उसको हम चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इक्वल कर देंगे फिर वो हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन आप चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। सो मल्टीपल हमारे पास में यहाँ फंक्शन है प्रीडिफाइन। आप देखिए सब कुछ सारे फंक्शन को एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके सब कुछ देख सकते हैं। उसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा। तो दोस्तों मैं अब डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे डोमेन आप बहुत ही कम प्राइस में और होस्टिंग भी आप खरीद सकते हैं। तो डोमेन देखिए मैं यहाँ पे आप कोई भी डोमेन सर्च कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडिया लैरवेल। ठीक है, तो आप इस तरह से जो भी है आप यहाँ से जो भी डोमेन मिले आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। करेंसी आपको सेलेक्ट करना हो नीचे आइए और यहाँ पे INR सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये होगा फिर उसके बाद फिर से डोमेन आप सर्च कीजिए जो भी आपके पास डोमेन है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाके इसको ऐड अ कार्ट करना है, साथ में आप जैसे ही इसको ऐड कर ले व्यू कार्ट में आपके पास हो जाए शेयर होस्टिंग में क्लिक कीजिए और होस्टिंग यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मल्टीपल होस्टिंग्स प्लान है, मैं जैसे एक वेबसाइट है हमारे पास में तो मैं इस वाले प्लान को सेलेक्ट करता हूँ पर्सनल, और इसको यूज पे क्लिक करते हैं। और इस तरह से आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आप डायरेक्टली चेकआउट पे जाएंगे तो आपको केवल 2000 रुपीज़ पे करने होंगे। दोस्तों इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी होस्टिंग और डोमेन आपको मिल जाएगी, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी केवल 2000 में, आप साथ में वीडियो भी क्रिएट कर पाएंगे। तो आप इस तरह से जो है आप बाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।